बात है रशिया की, प्रथम विश्व युद्ध के बाद के समय की। पूरे देश में युद्ध के बाद तबाही मची हुई थी। ऐसे समय में स्कूल के अंदर पेन और पेपर तो छोड़ो, कागज और कलम की भी कमी थी। इन मुश्किल समय में उनके प्राथमिक कक्षा के एक टीचर ने पहाड़े सिखाने का एक बड़ा ही सुंदर नुस्खा इजाद किया। उन्होंने पेन और पेपर का नहीं, अपनी उंगलियों का इस्तेमाल किया। कैसे? तो मान लीजिए 6 से लेकर 10 का आपको पहाड़ा करना है, तो इन सभी नंबरों को अपनी उंगलियों पे लिख लीजिए। अब जिस भी दो नंबर को आपको गुणा करना हो, मान लीजिए 7 और 8, तो बस इन दोनों उंगलियों को आपस में टच करवा दीजिए और आपको अपना उत्तर मिल जाएगा। कैसे? तो ये 7 और 8 और उसके नीचे जितनी भी उंगलियां हैं उनको आप गिन लीजिए, तो ये हो जाएगी 5 उंगलियां। उनको आप 10 से गुणा कर दीजिए। बाकी बची हुई उंगलियां, जैसे कि 8 के ऊपर 2 है और 7 के ऊपर 3 है, इनका आपस में गुणा करवा दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 6, और आपको अपना उत्तर मिल गया। पहले 50 और उसके बाद 6, उनका जोड़ मिला दीजिए 56, जो कि उत्तर है जब 7 और 8 को गुणा करते हैं। इस प्रक्रिया को समझने के लिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए अब आपको दो नंबर जो गुणा करने हैं वो है 7 और 9। इन दोनों का गुणा करने के लिए बस आपको 7 नंबर वाली और 9 नंबर वाली उंगलियों को पास में लाना है, और फिर आपको गिनना है कि जो उंगलियां छू रही है वो और उनके नीचे कितनी उंगलियां हैं। तो ये हो जाएगी 6 उंगलियां, और उसको 10 से गुणा कर देंगे तो उत्तर मिल जाएगा 60। फिर क्या करना है? तो आपको देखना है कि उसके ऊपर कितनी उंगलियां हैं। तो 9 के ऊपर 1 उंगली है और 7 के ऊपर 3 उंगलियां है। इनको जब आपस में गुणा करेंगे तो उत्तर मिलेगा 3। पहले आया था 60, उसके बाद 3, इन दोनों को जोड़ मिला लेंगे तो उत्तर मिल जाएगा 63, जो कि उत्तर है 7 को जब 9 से गुणा करेंगे तब। आप अपनी उंगलियों पे नंबर लिख के यह पहाड़े का खेल कर सकते हैं। अलग अलग नंबर के लिए यह मेथड काम कर रही है कि नहीं, यह चेक कीजिए। एक और सवाल जो ये प्रक्रिया के बाद आता है यह है कि यह प्रक्रिया आखिर काम क्यों कर रही है। दूसरा सवाल कि यहां पे तो हमने 6 से 10 नंबर के लिए किया, क्या यह 1 से 10 के नंबर के पहाड़े के लिए भी काम करेगी या किसी और नंबर के पहाड़े के लिए भी काम करेगी कि नहीं। तो यह प्रूव करने के लिए कि ये जो मेथड है वो किसी भी नंबर के लिए या किसी भी पहाड़े के लिए काम करेगी, दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, हम देखें कि कितने यूनिक पेयर्स बन रहे हैं नंबरों के, और इन सभी यूनिक नंबरों की पेयर के लिए हम ये चेक करें कि इस मेथड से जो उत्तर आ रहा है वो और सही उत्तर है वो दोनों मैच हो रहे हैं कि नहीं। तो आपके लिए पहला सवाल ये है कि 1 से 10 नंबर के लिए पहाड़ों के लिए अगर मुझे ये चेक करना है कि ये प्रक्रिया काम कर रही है कि नहीं, तो कितनी यूनिक पेयर्स बनेगी। उसके लिए मैं सबसे पहले 1 से 10 नंबर की यहां पे 2 रो बना देता हूं, 1 2 3 10। उसी तरह से दूसरी साइड भी नंबर्स बना देता हूं, 1। अब प्रश्न यह है कि इन सभी 1 से 10 नंबर्स में कितनी यूनिक पेयर्स बनेगी। यूनिक पेयर से मेरा मतलब यह है कि आपने जब 2 और 4 की पेयर बनाई, वो और 4 और 2 की पेयर, ये दोनों एक ही सेम पेयर है, दोनों ही समान पेयर है, तो इन्हें 2 अलग अलग नहीं गिनेंगे, इन्हें एक ही पेयर बनेंगे। तो प्रश्न है कि ये 1 से 10 में कितनी यूनिक पेयर्स बनेगी। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं, पहले वाले नंबर 10 को लेंगे तो आपके पास टोटल 10 ऑप्शन है पेयर्स बनाने के लिए। 10 10 के साथ कर सकता है, 10 9 के साथ कर सकता है, 10 8 के साथ कर सकता है, ऐसे आपके पास टोटल 10 ऑप्शन है यूनिक पेयर्स बनाने के लिए। अब जब मैं 9 के पास आता हूं तो 9 का तो देखिए 10 के साथ पेयर पहले से हो चुका है, तो 9 का 10 के साथ नहीं करेंगे, 9 का शुरुआत करेंगे 9 से, तो 9 9 के साथ पैर बनाएगा, 9 8 के साथ पैर बनाएगा, 9 7 के साथ पैर बनाएगा, उसी तरह से 9 1 के साथ पैर बनाएगा। देखिए यहां पे टोटल हमें 9 यूनिक पैर्स मिलेगी 9 के साथ, तो मैं इसे यहां पे लिख देता हूं। उसी तरह से जब 8 पे आएंगे तब 8 के पास 8 की 9 के साथ पैर तो बन चुकी है, तो 8 की फिर से हम 8 के साथ शुरुआत करेंगे, और उसी तरह से यहां पे भी आपके पास टोटल 8 पैर के ऑप्शन
रहेंगे यूनिक, 8 यूनिक पैर के ऑप्शन। और उसी तरह 7 के पास 7, 6 के साथ 6, 5 के साथ 5, 4 के साथ 4, 3 के साथ 3, 2 के साथ 2 और 1 के साथ 1। टोटल इतनी यूनिक पेयर्स बनेगी इन सभी के साथ। अब प्रश्न है कि ये टोटल कितनी होगी, तो दो तरीके से कर सकते हैं। इनका जो जोड़ मिलाना है, इन सभी पेयर्स का जोड़ मिलाना है, तो दो तरीके से कर सकते हैं। 10 और 9 19, 19 और 8 27, 27 के बाद 7 34, इस तरह से भी जोड़ मिला सकते हैं। एक और रसप्रद तरीका है इनका जोड़ मिलाने का, कैसे? तो देखिए 10 और 1 इनका जोड़ मिलाएंगे, उत्तर आएगा 11, 9 और 2 का जोड़ मिलाएंगे, उत्तर आएगा 11, उसी तरह से 8 और 3, 7 और 4, 6 और 5, इन सभी का जोड़ मिलाएंगे, इन सभी पैर्स का जोड़ मिलेगा 11, और ऐसी 5 पैर है, तो 11 और 5 आपको अपना उत्तर मिल जाएगा 55। तो जब आप 1 से 10 की यूनिक पैर्स बनाएंगे, आपको कुल 55 पैर्स मिलेगी। जोड़ मिलाने के इस तरीके से मुझे कहानी याद आती है। कहानी है चौथी कक्षा की, और उस कक्षा में टीचर आते हैं और अपने सभी कक्षा के बच्चों को व्यस्त करने के लिए वह उनको एक एक्सरसाइज दे देते हैं, 1 से लेकर 100 नंबर बोर्ड पे लिख देते हैं और कहते हैं कि इन सभी का जोड़ मिलाइए। तो सभी बच्चे लग जाते हैं, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। तो शुरुआत में तो गाड़ी बढ़िया एक्सप्रेस चलती है, पर जैसे ही नंबर बड़ा होता जाता है, वही वाली एक्सप्रेस गाड़ी स्लीपर क्लास और जो है वो लोकल ट्रेन में कन्वर्ट हो जाती है। और टीचर उतने में देखता है कि एक बच्चा बड़ा ही शांत बैठा हुआ है और कुछ कर नहीं रहा है। तो टीचर जो है वो उस बच्चे के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि आप क्यों नहीं कर रहे हो, ये वाला जो हमने जोड़ मिलाने की जो एक्सरसाइज दी है वो आप क्यों नहीं कर रहे हो। बच्चा कहता है कि मेरा उत्तर आ गया, और उत्तर वो बताता है 50 50, 5050। टीचर जो है वो बड़ा दंग रह जाता है आखिर, और उत्तर सही भी था, पर उत्तर इतना जल्दी आया क्यों। तो वह टीचर जब बच्चे को सवाल करते हैं तो वो बच्चा कहता है मुझे इसमें पैटर्न दिख रही है। क्या पैटर्न? 100 और 1 को जोड़ मिलाएंगे, उत्तर आता है 101 101। 99 और 2 को जोड़ मिलाइए, उत्तर आता है 101। उसी तरह 98 और 3 को जोड़ मिलाइए, उत्तर आता है 101। ऐसी टोटल सभी जो है वो 50 पैर्स मिलेगी आपको, और सभी का जोड़ जो है वो 101 आएगा। 101 उसको 50 से गुणा कर उत्तर आएगा 5050। बच्चे का यह उत्तर सुन के टीचर दंग रह जाते हैं और बच्चे को कहते हैं आप कक्षा के बाहर चले जाइए, गुस्से से नहीं पर यह कहते हुए कि अब आपको देने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। यह बच्चा और कोई नहीं, बहुत बड़े गणितज्ञ कार्ल फ्रेडरिक गॉस थे। और मैं ये कहानी आपको इसलिए भी सुना रहा था कि कहीं ना कहीं इन विषयों का जो उद्देश्य है सिर्फ यही नहीं है कि हम सभी सूत्र रट ले या सभी इक्वेशन को समझ ले और उसे रट ले। इनका उद्देश्य हमारे आसपास के अंदर ये जो पैटर्न छुपी हुई है इनको देखना और समझना भी है। देखिए कहां इन पहाड़े की ये जो एक्सरसाइज थी उसके अंदर हमें ये गॉस की पैटर्न मिल गई। चलिए अब हम फिर से अपनी उंगलियों से पहाड़े करने की गतिविधि पे आते हैं। तो एक तरीका तो जैसे हमने देखा कि यह चेक करने के लिए कि ये प्रक्रिया काम करेगी कि नहीं, सभी यूनिक पैर्स के लिए अपने उत्तर वेरीफाई करेंगे। और अगर 1 से 10 तक करना है तो हमें 55 यूनिक पैर्स के लिए चेक करना पड़ेगा। इस मेथड को प्रूव करने के लिए मैं 6 से 10 नंबर ले लेता हूं। अब आपको जिन भी दो उंगलियां को गुणा करवाना है उनको मैं एक्स और वाई बोल देता हूं। ये हो गया x और ये हो गया y। अब हम हमारी गतिविधि में क्या करते थे कि हम सबसे पहले गिनते थे कि जो दो उंगलियां टच हो रही है वो, और उनके नीचे कितनी उंगलियां हैं उनका जोड़ मिलाएंगे। तो इस साइड की जो उंगलियां है वो है 3,
या फिर उसे ऐसे भी बोल सकते हैं x के फॉर्म में, ये होगा x माइनस फाइव। उसी तरह से यहां पे कितनी उंगलियां जो छू रही हैं और जिनके नीचे हैं वो, तो वो कुल मिला के चार उंगलियां हैं, या फिर उन्हें y के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा y माइनस फाइव। इतनी उंगलियों को हम जोड़ मिलाने के बाद 10 से गुणा करते थे, तो वही यहां पे मैं लिख लेता हूं x और y के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा x माइनस फाइव और y माइनस फाइव, इनका हम जोड़ मिला देंगे और इसको हम 10 से गुणा करेंगे। अब हम बाकी की उंगलियों का क्या करते थे, तो ये जो बाकी की उंगलियां है ये हो जाएगा, इसको मैं एक और पेन से लिख लेता हूं, ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स, और उसी तरह से y के ऊपर वाली जितनी भी उंगलियां हैं उनको हम लिख सकते हैं 10 माइनस y। इनको हमें आपस में गुणा करना है, तो वो मैं यहां पे कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स और 10 माइनस y। अब इसी इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो x माइनस फाइव और y माइनस फाइव का जोड़ मिलाएंगे तो, और उसको 10 से गुणा करेंगे, तो ये कुछ हो जाएगा 10x 10y माइनस 100। x प्लस y माइनस 10, उनको 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस 10y माइनस 100। और नीचे का जो टर्म है उनको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो वो हो जाएगा 10 का 10 से गुणा, वो हो जाएगा 100, 10 का y से गुणा, वो हो जाएगा माइनस 10y, माइनस x को 10 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा माइनस 10x, और माइनस x और माइनस y का गुणा हो जाएगा प्लस एक्स वाई। तो आप देखिए इसमें ये 10x और ये 10x कैंसिल हो जाएगा, ये 10y और ये 10y कैंसिल हो जाएगा, ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा, बचा सिर्फ x और y। तो यहां पे हमने ये प्रक्रिया 6 से लेके 10 नंबर के पहाड़ों के लिए काम करेगी कि नहीं करी वो प्रूव किया। आप क्यों ना अलग अलग नंबरों के लिए जैसे कि 16 से लेके 20 ये प्रक्रिया काम करेगी कि नहीं ये चेक करें, और उसे फिर प्रूफ भी करें कि आपकी प्रक्रिया या आपकी मेथड काम करेगी।